और अब खबर पेपर लीक से जुड़ी हुई। मेडिकल की पढ़ाई के लिए हुए नीट परीक्षा को लेकर जब सवाल उठे तो यह खुलासा हुआ कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। कई लोग गिरफ्तार हुए, सीबीआई जांच भी जारी है। आगे से पेपर लीक ना हो और अगर ऐसा कोई करे तो उसके खिलाफ बिहार में सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बिहार सरकार पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। आज विधानसभा में विधेयक पेश होगा। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि अगर कोई पेपर लीक का दोषी पाया जाएगा उसे 3 से 10 साल की सजा मिलेगी और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। यह प्रावधान इसमें है। तो बिहार विधानसभा में आज यह विधेयक पेश किया जाएगा। नीतीश कुमार सरकार इस मामले में अब सख्त नजर आ रही है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी, बिहार विधानसभा में यह विधेयक पेश करने की तैयारी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना से, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। प्रकाश, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जब यह मामला उजागर हुआ तो नीतीश सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी, फजीहत हुई थी, लेकिन अब सरकार इस मामले में फ्रंट फुट पर दिख रही है, यह जो सख्त कानून की बात है। अखिलेश, कानून देर से ही सही लेकिन लाया तो जरूर जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक है, वो ये है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में इसके पहले सबसे बड़ी घटना बिहार में हुई थी जिसमें एक आईएएस ऑफिसर को जेल भी जाना पड़ा था और वो एसएससी का एग्जाम था, उसमें तीन तीन बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के नाम आए थे। ऐसे में इसके बाद भी सिपाही भर्ती घोटाला हुआ है, अभी भी ईओयू कई सारे ऐसे जो पेपर लीक है उसको लेकर के जाँच कर रही है। तो ऐसे में, ऐसे वक्त में ये विधेयक लाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि केंद्र में पहले से ही कानून लाया गया है और बिहार सरकार भी उस कानून के तहत कड़े प्रावधान कर रही है। ऐसा मानना है कि इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जितने भी पेपर लीक कांड में अपराधी या जो आरोपी थे वो पकड़े जा रहे थे, जमानत पर छूट जा रहे थे, कड़े प्रावधान नहीं होने की वजह से, सबूत साक्ष्य नहीं होने की वजह से वो छूट जा रहे थे और दोबारा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल हो जाते थे। तो ऐसे में एक अलग से कानून ला करके उसे इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना और ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करना, वाकई देखना होगा कि इस विधेयक का क्या असर होता है। लेकिन प्रकाश, देखिए एक बात और भी है कि सिर्फ क्या कड़े कानून बना लेने से ये चीजें रुक जाएंगी या इस पूरे सिस्टम को भी लीक प्रूफ बनाना पड़ेगा? देखिए, वही मैं कह रहा था कि एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना भी चुनौती है, दूसरी तरफ पेपर लीक कांड के जो आरोपी हैं, एक से एक बड़े नाम, चाहे आईएएस ऑफिसर हो या फिर रंजीत डॉन हो, इस तरह के बड़े नाम या छोटे मोटे जितने भी एग्जाम्स होते रहते हैं, यहाँ तक कि स्कूल के बोर्ड्स के एग्जाम्स, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स, ये सारे भी लीक होते रहे हैं और उसका उदाहरण समय समय पर आता रहा है, लेकिन उन तक या तो पुलिस पहुंच जाती है तो कड़े कानून नहीं है। तो ऐसे में ये देखना होगा, सबसे बड़ी चुनौती होगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें किस हद तक उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस जानकारी के लिए आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। और इस बीच ये देखिए, बजट के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के लोगों का, वो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को आपने देखा, इसे अपोजिशन विरोधी बजट वो बता रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये दरअसल सरकार को बचाने वाला बजट था।